Today's interaction is for board exams. Today we are going to discuss some of the important points which are mandatory to excel in board exams. Obviously, board exams का एक बहुत बड़ा terror हमारे mind में होता है, but still, सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा important है board exams में excel करने के लिए, आप अपने मन से board exams का सारा डर निकाल दीजिए. बिलीव मी, सबसे ज्यादा इजिएस्ट एग्जाम होती है बोर्ड एग्जाम. इट इज नॉट द डिफिकल्ट मोस्ट एग्जाम, इट इज द मोस्ट इजिएस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ. अभी तक आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी भी एग्जाम्स फेस की है, फ्रॉम प्ले ग्रुप टिल 11, उसमें सबसे इजी एग्जाम होगी बोर्ड की एग्जाम, 12th एग्जाम सबसे इजी. लेकिन इजी किसके लिए होगी? जो उसके लिए रेडी होगा. और रेडी कौन होगा? जिसने प्रॉपरली स्टडीज कर रखी हो. अदरवाइज बोर्ड एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो आप लोगों के पढ़े हुए ना हो. तो सबसे पहला अपने माइंड से हर तरह का टेंशन रिलीज कर दीजिए. हर तरह की कोई भी इफ बट कंडीशंस अगर आपके माइंड में आ रही है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा, मैं अच्छा कर पाऊंगी, मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्स में लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगी, कोई भी नेगेटिव फीलिंग अपने माइंड में ना आने. पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं. आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, आप लोगों ने पूरे साल मेहनत की है और डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है? और ये प्रॉमिस अपने आप से कीजिए कि यस आई कैन एंड आई विल डू. मैं बहुत अच्छा करूंगा अपने एग्जाम्स में, बहुत 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 ही अच्छा करूंगा. राइट? भले ही आप लोगों के परसेंट आज से पहले कभी भी 80 के ऊपर भी नहीं क्रॉस किया है, बट स्टिल 12th बोर्ड में आप लोग डेफिनेटली 90 क्रॉस करेंगे. ठीक है? और ये प्रॉमिस अपने आप से करना पड़ेगा. खुद से प्रॉमिस करें आज ही कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली क्रॉस 90%. और आप कर लेंगे. नहीं है डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ के भी 10th में बहुत अच्छे परसेंट बनाए हैं, और वही सेम आपको 12th में भी करना है. 12th की एग्जाम 10th बोर्ड से भी ज्यादा इजी होगी. ज्यादा आप देखिए कुछ डूज एंड डोंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो अगर आप लोगों ने ये 10 दिन फॉलो किए तो आपके रिजल्ट्स आसमान छू लेंगे, और अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो फिर जो होना है वो तो एज ही हो कि क्या हो सकता है. वो क्या डूज एंड डोंट्स हैं? सबसे पहली चीज, बिलीव योरसेल्फ. कहीं पर भी खुद के ऊपर, खुद की कैपेबिलिटीज पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. कहीं भी आपके माइंड में एक बार भी एक पॉइंट नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता हूं. जब आपका कोई फ्रेंड कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं. ठीक है? बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ही प्रॉपरली करेंगे. बस पूरा कॉन्सेंट्रेशन, फुल फोकस से अपनी स्टडीज पर ध्यान देने. ये 10 दिन, अगर ये 10 दिन अच्छे से पढ़ लिए तो आगे की पूरी लाइफ सेट. लेकिन अगर इन 10 दिनों में हमने कहीं पर भी कोई मक्कारी की तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली लाइफ. ये 10 दिन अगर पूरी 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 फोकस आप अपना स्टडीज पे कर लेंगे, डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे. तो कहीं भी अपने ऊपर डाउट ना रखें. सेकंड थिंग, जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं उनको खत्म कर दें आज. जो भी डिस्ट्रैक्शन हैं आपके आसपास, फेसबुक यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो बहुत ज्यादा, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, बहुत सारे क्लिपिंग देख रहे हो, वीडियोज देख रहे हो, सब बंद कर दो. सिर्फ एक महीने की बात है. अगर एक महीने आप लोगों ने प्रॉपरली अपना टाइम प्लान कर लिया तो उसके रिजल्ट मिल जाएंगे. केवल एक महीना, एक महीना और आगे की लाइफ सेट. और अगर इस एक महीने में भी ये वीडियोस वगैरह नहीं छोड़े, नहीं अगर आप लोगों से इंस्टाग्राम बंद हुआ, नहीं आप लोगों का टीवी बंद हुआ, तो डेफिनेटली फिर वहां आपको कहीं ना कहीं पे करना पड़ता है आगे की पूरी लाइफ. एक महीने के लिए सारी चीजें खत्म कर दीजिए. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, दोस्तों का साथ. ऑब्वियसली फ्रेंड्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, आगे भी रहेंगे. लेकिन अगर एक महीने हम फ्रेंड्स को छोड़ देते हैं, छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी दोस्ती खत्म कर दें. सिर्फ एक महीने के लिए फ्रेंड्स को भी पढ़ने का और खुद भी पढ़ो, सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दीजिए. अगर सारे डिस्ट्रैक्शन आप खत्म कर देंगे तो आप लोग पूरा टाइम, पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन अपनी स्टडीज पे कर पाएंगे. और एक बात अपने माइंड में बार बार रिपीट करते रहना, यस आई कैन एंड आई विल डू टू माई फुलेस्ट एक्सटेंट. ठीक है?
आई विल एक्सेल इन एग्जाम, आई विल क्रॉस 90%, ये बार 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 रिपीट करना, दिन में कम से कम 30 बार अपने आप को कहना है बात, जहां पढ़ रहे हो वहां लगा देना अपना टारगेट 98%, 95%, बार बार देखना उस चीज को, कहीं ना कहीं वो चीज जब आप बार बार देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर अपने आप वो बातें रिलीज होने लगेगी, रिफ्लेक्ट होने लगेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वो बात कहीं ना कहीं बैठ जाएगी कि नहीं मुझे 95% बनाने हैं, और फिर उसके रिजल्ट्स आप लोगों को मिलने लग जाएंगे। जब अपने आप ही वो बात आप बार बार अपने आप से कहेंगे तो आपके जो डीड्स होंगे, आपके जो जितने भी वर्क होंगे वो भी उसी डायरेक्शन में होने लगेंगे, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने डिस्ट्रैक्शन खत्म कर लें। देन नेक्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। देखिए अब प्रेजेंटेशन स्किल्स पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएं। ऑब्वियसली पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं सारे स्टूडेंट्स, लेकिन आप लोगों ने कई बार देखा होगा बहुत मेहनत करने के बाद भी बच्चों को रिजल्ट नहीं मिल पाता। कई स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है हमारा पेपर इतना अच्छा गया था फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले। वो अच्छा रहा था आपके प्रस्पेक्टिव से, चेक करने वाले के प्रस्पेक्टिव से वो पेपर अच्छा नहीं था। तो जो मार्क्स हमें गेन करने हैं, हम कभी भी जब हमारी एग्जाम कॉपी में आंसर्स मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमें हमारे प्रस्पेक्टिव से नहीं लिखना होता है, हमें चेक करने वाले के प्रस्पेक्टिव से सारी बातें उसके अंदर मेंशन करनी होती है। आप एक एग्जांपल लीजिए, लाइक इफ आई एम चेकिंग दी बोर्ड कॉपीज, तो जब मैं बोर्ड कॉपीज चेक करता हूँ तो मुझे आपकी अकेले की कॉपी चेक नहीं करना होती है, मुझे हजारों कॉपीज चेक करना होती है, और उसमें भी टारगेट होता है कि इतने दिन में आपको एक कॉपीज चेक करके देनी है। जब इतना टारगेट है, इतना माइंड पे प्रेशर है, मैं एक एक कॉपी तो पूरी तरह से गो थ्रू नहीं करूंगा, राइट? मुझे जो कॉपी अच्छी लगेगी, जिसका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन होगा, ऑब्वियसली मेरा माइंड भी, मैं बहुत स्पीड में कॉपीज चेक कर रहा हूं तो उसको मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा, तो अपने आप ही होगा वो ऑटोमेटिकली। बट सपोज कीजिए आपने बहुत प्रॉपरली आंसर्स किए हैं, एवरीथिंग वाज नीट एंड क्लीन इन योर कॉपी, तो आपको क्या मार्क्स मिलेंगे? और अगर आप प्रॉपरली आंसर कर रहे हैं बट अनटाइडी कॉपी है तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे? अगर कॉपी चेक करने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या लिखा है तो क्या आपको मार्क्स मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप वहां प्रेजेंट नहीं है फिजिकली उसको समझाने के लिए कि मैंने ये लिखा है। वहां जो उसको कॉपी में दिख रहा है उसी बेस पे उसको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके लेटर्स में आपने कुछ लिखा है, कोई भी वर्ड लिखा है और वो नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज यू आर नॉट देयर फॉर फिजिकली एक्सप्लेनिंग दैट टर्म, आप नहीं बता पाएंगे वहां पर क्या होगा, राइट? अब प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव करें, ऑल्दो इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने प्रेजेंटेशन में इंकल्केट करते हैं, बट स्टिल उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहली बात, हमेशा क्वेश्चंस के नंबर प्रॉपरली मेंशन करें। कई बार हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम क्वेश्चंस के नंबर भी प्रॉपरली मेंशन नहीं करते हैं। क्वेश्चंस के नंबर प्रॉपरली मेंशन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन का नंबर प्रॉपरली मेंशन करें। सेकंड थिंग, किसी क्वेश्चन में अगर सब पार्ट्स हैं तो सब पार्ट्स हमेशा एक ही प्लेस पर सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन वन का ए पार्ट आपने यहां कर दिया और क्वेश्चन वन का ही बी पार्ट दो चार पेजेस बाद आप कर रहे हैं, वो नहीं होता है। एक क्वेश्चन के जितने भी सब पार्ट्स हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, अब एमसीक्यूज आपको आएंगे, 5 MCQs आएंगे, तो 5 MCQs एक ही जगह पर सॉल्व होने चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स जितने आ रहे हैं वो सब एक ही प्लेस पर होने चाहिए। ऐसा नहीं दो पार्ट यहां कर दिए, दो पार्ट कहीं और कर दिए, राइट? एक क्वेश्चन के जितने सब पार्ट्स हैं उसको एक ही प्लेस पर सॉल्व करें हमेशा। देन कई बार ऐसा भी करते हैं स्टूडेंट्स कि जो चॉइसेस होती है, चॉइसेस में दोनों क्वेश्चंस कर दिए, एक आगे कर दिया एक कहीं पीछे कर दिया सॉल्व, और फिर वो चेक करने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं कि जिससे जितने मार्क्स देने उतने दे। ऐसा नहीं करना है कभी भी, दोनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन जो बेहतर तरीके से आता है आपको वही आप सॉल्व करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं फर्स्ट टाइम जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ज्यादा प्रॉपर नहीं है, सेकंड वाला ज्यादा प्रॉपर है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को क्रॉस कर दीजिए। हमेशा ध्यान रखें अगर आपने एक क्वेश्चन को दो बार सॉल्व कर दिया है तो जो क्वेश्चन आपकी कॉपी में पहले सॉल्व हुआ है आपको मार्क्स उसी के ही मिलेंगे। जो आपने सेकंड टाइम क्रॉस किया है सॉल्व वो क्रॉस कर दिया जाएगा, उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, राइट? अब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इज टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें. प्रॉपरली कैसे मैनेज करेंगे? आपको टोटल 180 मिनट्स मिल रहे हैं, 3 आवर्स, राइट? अब 3 आवर्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? आप उस टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. एक पार्ट आप रखें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, सेकेंड पार्ट आप रखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए, 2 और 2 मार्क्स के जितने भी हैं, 2 और 3 मार्क्स. देन एक पार्ट आप रखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए. लाइक फॉर एन एग्जांपल हम क्या करते हैं, हम उस टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. हम डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को 50 मिनट्स के लिए, शॉर्ट आंसर 50 मिनट्स एंड लॉन्ग आंसर 50 मिनट्स. टोटल कितने मिनट्स हो गए ये? कितने हो गए? 150 मिनट्स, राइट? बट हमारे पास है 180 मिनट्स, स्टिल वी हैव 30 मिनट्स है अभी भी, ठीक है? अब उस 30 मिनट्स का आप क्या करेंगे? आपने पहले तो टाइम डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न, है ना? अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ऑब्जेक्टिव टाइप को और कम दे सकता हूं तो आप उसको 40 मिनट्स ही दीजिए, बाकी आप यहां लॉन्ग आंसर में इंक्रीज कर दीजिए टाइमिंग. बट वो प्रॉपर मैनेज कीजिए, ऐसा ना हो जो आपने टाइम डिवाइड किया है उससे ज्यादा आपको लग रहा है. बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, जितनी वर्ड लिमिट है उतना ही लिखें. ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से आते होंगे और ऐसा लगेगा कि इसमें तो सब लिख दो जितना आता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है. क्योंकि अगर आपने उस क्वेश्चन में सब कुछ लिख दिया तो आपके बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे. जो क्वेश्चन 3 मार्क्स का है आप उसमें कितना भी लिख दीजिए, क्या आपको उस क्वेश्चन में 3 मार्क्स से ज्यादा मिलेंगे कभी भी? तो उसमें आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर्स करने हैं. आप ये चीज ध्यान रखें कि आपका टाइम मैनेजमेंट कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. आपने जैसा मैनेज किया है उसको उसी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करें एग्जाम, राइट? अब जो 30 मिनट्स आपके रिमेनिंग है 50-50-53 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद, उन 30 मिनट्स का आप कैसे यूज करेंगे? उन 30 मिनट्स में 15 मिनट्स रहेंगे आपके रीचेकिंग के. एक बार पूरी कॉपी आपको लास्ट में रीचेक करनी है प्रॉपरली, क्वेश्चन नंबर सब पूर्ण मेंशन किए या नहीं, प्रॉपरली सारे आंसर्स किए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई फॉर्मूला हम भूल गए हैं, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट किसी क्वेश्चन में मुझे लिखना था लेकिन वो रह गया है, कहीं आपने कोई फिगर ड्रॉ करना था लेकिन वो फिगर आप ड्रॉ नहीं कर पाए हैं, तो वो 15 मिनट्स आप बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंड, इनफैक्ट उस 15 मिनट्स में आप एक बार वापस कॉपी की एंट्रीज भी चेक करेंगे. लाइक फ्रंट पेज पे जो भी डिटेल्स आप लोग फिल करते हैं, अपना जो भी आपका एडमिशन नंबर है, राइट, रोल नंबर जो आपको मिला है, आपकी जो डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स भी एक बार आप क्रॉस चेक जरूर करें उन 15 मिनट्स में. देन अब जो 15 मिनट्स बचे हैं वो 15 मिनट्स आप यूज करेंगे अपनी कॉपी की प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए. और वो जो 15 मिनट है वो अगर आपने बहुत प्रॉपरली किया तो डेफिनेटली बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे. कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम प्रेजेंटेशन? पहली चीज, क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली मेंशन करें. क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली मेंशन करने के बाद आप चाहे तो उसको अंडरलाइन भी कर दें या उसके ऊपर बॉक्स बना दीजिए, राइट? लाइक क्वेश्चन नंबर 2 तो उसको बॉक्स में पैक कर दिया या उसके नीचे लाइंस कर दी. अब इससे क्या होगा, वो अलग से हाईलाइट हो जाएगा कि यहां से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है. उस क्वेश्चन नंबर 2 को आपने अब आंसर करना शुरू किया है. अगर उसके सब पार्ट्स हैं वो सारे एक जगह आ जाएंगे. अगर वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है या 3 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके अंदर आप पॉइंट्स में उस आंसर को लिखें. कभी भी आंसर्स पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करना चाहिए. आंसर्स हमेशा पॉइंट्स में ही लिखें किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम. उससे क्या एडवांटेज होता है, जैसा मैंने बताया कि जब हम कॉपी चेक कर रहे होते हैं तो हमें एक स्टूडेंट की कॉपी नहीं चेक करनी है, हमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करनी है. तो एक एक बच्चे की एक एक लाइन तो नहीं पढ़ना पॉसिबल है, ये आप भी जानते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं पढ़ेगा. अब अगर आपने पॉइंट्स में आंसर लिखा है तो वो पॉइंट्स आपने प्रॉपरली हाईलाइट किए हुए हैं कि फर्स्ट पॉइंट में ये मेन उसकी डेफिनेशन आ गई या उसकी बॉडी आ गई, सेकंड पॉइंट में उससे रिलेटेड कोई कोटेशन आपने लिख दिए, थर्ड पॉइंट में उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला आपने लिख दिया, फोर्थ पॉइंट में अगर आपको लग रहा है कि उसके कुछ कंक्लूजन मुझे देने हैं वो आपने लिख दिए, फिफ्थ पॉइंट में आपने कुछ उसके एक्स्ट्रा सपोर्ट में आपको कोई सेंटेंस लिखना है वो आपने लिख दिया, ये आपका पूरा आंसर फ्रेम हो गया और बिल्कुल प्रॉपरली पाइपलाइन आंसर है, आपने बिल्कुल सीक्वेंस में उसको लिखा है, राइट? और अगर आप उसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो जब मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मुझे भी वो प्रॉपर सीक्वेंस नजर आएगी और शायद मैं लास्ट पॉइंट तक पहुंचू ही नहीं, उसके पहले ही मेरा पेन चल जाएगा और मैं आपको फुल मार्क्स दे दूंगा. तो हमेशा आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें. पॉइंट्स में प्रॉपरली बुलेट्स लगाए, डॉट लगा के या जो भी आप लगाते हैं बुलेट्स लगा के उसको पॉइंट्स में लिखिए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अब उन पॉइंट्स में भी
क्या करें आप, जो उसमें कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होंगे, हर क्वेश्चन में आप जो भी सब्जेक्ट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को भी हाईलाइट कीजिए। आप पेंसिल का यूज करें, पेंसिल से उसको कीवर्ड को हाईलाइट कर दें। लाइक कोई भी आपको कुछ डेफिनेशन आई है या कुछ एक्सप्लेनेशन आया या कुछ डिस्क्रिप्शन आया, तो उनके अंदर जो मेन कीवर्ड्स हैं आपके पॉइंट में उनको आप बिल्कुल हाईलाइट करें। कुछ मेन फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को बॉक्स में पैक कीजिए प्रॉपरली, बॉक्स बनाइए उसके ऊपर, ठीक है, बॉक्स में पैक करके लिखें। कुछ स्पेशल फिगर्स आपको बनाने हैं तो फिगर्स हमेशा बनाएं, जितने ज्यादा फिगर्स आप बनाएंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखें, फिगर्स आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन कॉपी, बिकॉज थियरी में आप इतना जो लिख रहे हैं अगर वो एक फिगर के थ्रू अगर आपने रिफ्लेक्ट कर दिया तो ज्यादा इजीली कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो चेकिंग कर रहा है उसके लिए भी उसको सब नजर आ जाएगा। आप चाहें तो आप अपनी जो भी बात आपको कहनी है वो आप फ्लो चार्ट्स के थ्रू भी कह सकते हैं, स्पेशली द कॉमर्स स्टूडेंट्स, है ना, आप लोग तो बनाते भी हैं फ्लो चार्ट्स, तो ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट बनाइए। कोई भी प्रोटोकॉल है, कोई भी प्रोसीजर आप लिख रहे हैं तो उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही बनाइए, स्टार्टिंग टू एंड वो पूरा प्रोसेस आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो फिगर ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आप एग्जाम में ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हैं, बट ब्लैक पेन का यूज सिर्फ अंडरलाइन करने के लिए यूज करें, ठीक है, बॉक्स पैक करने के लिए करें। कभी भी कोई फिगर्स ब्लैक पेन से नहीं बनाना है, फिगर्स हमेशा आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं, ब्लैक पेन से नहीं। ब्लैक पेन सिर्फ लाइनिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। लाइक हर क्वेश्चन के खत्म होने के बाद अंडरलाइन होना चाहिए, लाइन बनाइए, सेपरेशन लाइन बनाइए और उसके बाद ही सेकेंड क्वेश्चन शुरू करें। हर क्वेश्चन के खत्म होने के बाद एटलीस्ट दो लाइन वहां पर आप छोड़ें, दो लाइन छोड़ने के बाद ही शुरू करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। और उन दो लाइंस के बीच में भी फिर आप एक ब्लैक पेन से लाइन कर दीजिए, सेपरेशन हो जाएगा, राइट। अब एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है कि कितना लिखें, लिखना कितना है। कुछ बच्चे होते हैं जो कॉपियां 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 भर देते हैं, लेकिन क्या मतलब है, उनको भी 80-90 मार्क्स ही आते हैं उसमें 100 में से, और जो बच्चे बहुत कम लिखते हैं उनको भी उतने ही आते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है। जब भी आंसर्स कर रहे हैं टू द पॉइंट लिखें, जितना पूछा है उतना ही लिखें, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है। लाइक आपसे पूछा है गिव एडवांटेजेस ऑफ सो एंड सो, तो आप सिर्फ सो एंड सो के एडवांटेजेस लिखिए, उसमें डिसएडवांटेजेस मत लिखिए कि इससे ऐसा गलत होता है, वो पूछा ही नहीं है आपसे। आप अननेसेसरी उसकी बॉडी क्यों इंक्रीज कर रहे हो, उसकी लेंथ क्यों इंक्रीज कर रहे हो। जितना पूछा गया है टू द पॉइंट आंसर्स करें, बहुत प्रिसाइज लिखिए, इधर उधर की कुछ भी बात नहीं लिखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, राइट। अब वर्ड लिमिट की अगर हम बात करें, लाइक आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा टाइम सेव करेंगे। कैसे सेव करेंगे, ऑब्वियसली आपको एनालाइज करने में तो टाइम लेना है, लेकिन लिखने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपली जस्ट राइट द आंसर्स। अगर एमसीक्यूज कर रहे हैं आप तो एमसीक्यू में फर्स्ट पार्ट लिखा, फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट ऑप्शन है, लाइक फर्स्ट पार्ट का करेक्ट ऑप्शन है डी, तो करेक्ट ऑप्शन का नंबर लिख दिया और वो जो ऑप्शन है उसको भी पूरा लिख दीजिए, सिर्फ ऑप्शन का नंबर ना लिखें, राइट। कई बार ऐसा होता है आपने डी लिखा है लेकिन वो चेक करने वाले को ए नजर आ रहा है, आपका डी हो सकता है उसको ए लिखे, इसीलिए ऑप्शन के नंबर के साथ आप उसका पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, उस करेक्ट ऑप्शन का क्या स्टेटमेंट है, राइट। देन फिल इन द ब्लैंक्स आप कर रहे हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स में नो नीड टू राइट होल सेंटेंस, सिर्फ जो आंसर है वो लिखिए। मैच का कॉलम आप कर रहे हैं तो मैच का कॉलम में आप फर्स्ट कॉलम पूरा ड्रॉ करें एज इट इज अपनी कॉपी में बना लें, और सेकंड कॉलम के जो सही आंसर होते हैं वो उस फर्स्ट कॉलम के मैच करते हुए सामने लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड कॉलम में फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, सेकंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। साथ में सेकंड कॉलम में नंबरिंग जरूर कर दीजिएगा, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी तो फर्स्ट के सामने डी ऑप्शन भी लिखा होना चाहिए और उसका जो स्टेटमेंट है वो भी लिखा होना चाहिए, राइट। ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स में भी नो नीड टू राइट होल सेंटेंस, जस्ट राइट ट्रू और फॉल्स, टी और एफ कभी ना लिखें, पूरा कंप्लीट लिखिए ट्रू फॉल्स स्पेलिंग, राइट। टी एफ डी एफ मत लिखना, अगेन वही मिस्टेक होती है, चेक करने वाले को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, आपका टी को एफ जैसा नजर आने लगे, तो ट्रू और फॉल्स पूरा लिखे वहां पर। ये इंश्योर कर लें कि टिक अगर राइट और रॉन्ग है तो राइट रॉन्ग लगाए, अगर ट्रू फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स लिखे, जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है वैसा ही आंसर होना है। देन टू मार्क्स की बात करते हैं। अब जो आपके टू मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, टू मार्क्स की वर्ड लिमिट हमें दे रखी होती है 30 वर्ड्स की अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट,
30 वर्ड्स की ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमें लिमिट्स दी हुई है। अब 30 वर्ड्स आप गिनने तो नहीं बैठोगे वहां पर, तो उसका एक अप्रोक्सीमेशन आप लोगों को बताते हैं। ऑन एन एवरेज आपकी कॉपी का जो साइज होता है उसमें एक लाइन में एक नॉर्मल जो हैंडराइटिंग होती है, नॉर्मल हैंडराइटिंग की बात कर रहा हूं मैं, जो नॉर्मल फॉन्ट बनाते हैं, नॉर्मल हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग उस कॉपी में एक लाइन में 8 वर्ड्स आ जाते हैं। 8 वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में कम से कम 1 फिंगर डिस्टेंस भी होना चाहिए, एक एक उंगली का डिस्टेंस रखें, एकदम कंजेस्टेड ना बना दें उनको, ठीक है। तो 8 वर्ड्स एक अप्रोक्सीमेशन हम अगर लें तो लगभग 7 से 8 शब्द आते हैं, बट ये चेंज हो सकता है आपकी हैंडराइटिंग के अकॉर्डिंग। हो सकता है बहुत बड़े बड़े लेटर्स लिखते हो, बहुत बड़े आपकी हैंडराइटिंग हो, तो आपके 5 और 6 वर्ड्स आते हैं एक लाइन में, वो आप एंश्योर कर लें। अब जितने आपके वर्ड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए आपको कितनी लाइन्स लग रही है। अगर मैं 7-8 वर्ड्स ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ और 30 वर्ड्स की लिमिट है, मतलब 4 से 5 लाइन आपको लिखनी है वेरी शॉर्ट आंसर, बस 4 से 5 लाइन। 4 से 5 लाइन का मतलब होता है जो कॉपी आपको मिली है उसका 1/4 पार्ट, राइट। अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें, यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स के होते हैं, उनकी वर्ड लिमिट हमें दे रखी होती है 75 वर्ड्स। तो 75 वर्ड्स अगेन सेम, अगर 7-8 वर्ड्स ले रहे हैं तो 7 से 8 लाइन आएंगी, है ना। 7 से 8 लाइन का मतलब है कॉपी का हाफ से थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन, मतलब हम 3/4 मान लेते हैं, 3/4 क्वेश्चन आपका फिल होगा 3 मार्क्स क्वेश्चन में, राइट। देन अगर हम 4 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें तो उसकी वर्ड लिमिट होती है लॉन्ग आंसर में जो है 120 वर्ड्स। 120 वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर वही आप 7-8 वर्ड्स लेके चलते हैं तो 7-8 वर्ड्स के अकॉर्डिंग 16-17 लाइन हो जाएगी, और 16-17 लाइन का मतलब है 1/4 पेज, एक पेज पूरा और सेकंड पेज का भी 1/4 हिस्सा। समझ में आ रही है बात। देन अगर हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग आंसर, 150 वर्ड्स की लिमिट होती है, तो 150 वर्ड्स लिमिट के अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट 2 पेजेस उसके फिल करने रहेंगे कॉपी। समझ में आ रही है बात। तो ये आप एक लिमिटिंग वैल्यू ध्यान रखें, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और तो अगर जैसे इसमें ये मैंने वर्ड्स के अकॉर्डिंग बताया, लेकिन अगर फिगर्स आ रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे। फिगर भी एकदम कंजेस्टेड ना बनाए, बड़ा बड़ा खुला खुला फिगर बनाए अच्छे से, कहीं पर भी कोई भी कंजूसी ना करें कॉपी फिल करने में। आपको वहां पर जो भी सप्लीमेंट्री जितनी भी चाहिए मिलेगी एग्जाम में सप्लीमेंट्री कॉपीज, राइट। लेकिन प्रॉपरली एकदम ओपन स्पेस में फिगर्स ड्रॉ करें। फिगर्स ड्रॉ करने के बाद उसके अंदर लेबलिंग जरूर करें, हर फिगर का नाम नीचे लिखें। आप लोग बुक्स में देखते हो हर फिगर का नाम लिखा रहता है नीचे, वैसे ही आपको अपनी एग्जाम कॉपी में भी जो भी फिगर आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम लिखना है नीचे, उसके जो भी लेबलिंग्स हो सकती है प्रॉपरली वो सारी लेबलिंग्स करनी है। इनफैक्ट जब जो मैंने कहा था लास्ट के 15 मिनट जो आपके पास बचेंगे उसमें आप एक चीज और कर सकते हैं, लेकिन वो लास्ट के 15 मिनट में करना, ऐसा ना हो आप अपना पेपर छोड़ के ये सब करने बैठ जाए, वो सिर्फ लास्ट के 15 मिनट्स में करना है। आप 2 तरह की पेंसिल यूज कीजिए, 6S6B की आती है ना, लाइट और डार्क पेंसिल। डार्क पेंसिल से आप पूरी फिगर बनाएंगे और लाइट पेंसिल से उसके अंदर शेडिंग कर दीजिए, फुल मार्क्स मिलेंगे आप। वो ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंटेशन इतना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बाकी बच्चों से आपकी कॉपी बिल्कुल अलग कर देगा। आपने फॉर्मूले लिखे हैं, फॉर्मूले आपने बॉक्स में पैक किए हैं, उन बॉक्सेस को लाइट पेंसिल से शेडिंग कर दीजिए एंड में, जब आपका पूरा पेपर हो चुका है, चेक हो चुका है, वो आप अलग से हाईलाइट कर दीजिए। ऐसा लाइट डार्क का जब आपको शेड मिलेगा वहां पर जो कॉपी चेक कर रहा होगा, तो उसको देखते ही एकदम मतलब बहुत अच्छा लगता है कि कितनी अच्छी कॉपी आई है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने भी कॉपी बहुत चेक की है पहले, रियली ऐसा होता है जब पूरे बंडल में पूरे पूरे बंडल आते हैं 120 कॉपीज के, उसमें जब कुछ 2-1 कॉपीज अच्छी निकल जाती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे ने बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक्स की होती है, लेकिन वो कॉपी इतनी अच्छी होती है, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होता है कि उसकी मार्क्स कट करने का मन ही नहीं करता, उसको फुल मार्क्स दे देते हैं। और ऐसा ही प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखें। उसके बाद टाइमिंग पे बात हो गई है, एक चीज और ध्यान रखें, हमेशा कई बार ऐसा देखा गया है इतना कंजेस्टेड कर देते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता, वो 1 फिंगर टिप का डिस्टेंस मेंटेन करें। देन उसी भी क्वेश्चन को या कुछ भी गलती हो गई है उसको कट करना है, तो कट करने का भी एक सिस्टम होता है, डोंट यूज स्पाइडर वेब, ऐसा गचर पचर कर दिया पूरा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें कभी भी कॉपीज में, ठीक है, वो बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। जस्ट मेक अ क्रॉस, सिर्फ एक क्रॉस सफिशियंट होता है कट करने के, वो चेक करने वाले को भी दिख जाएगा कि आपने कट किया है,
पूरा वो मत कर देना ऐसा, ठीक है। वो बहुत आप देखिए वो पैचेस जैसा दिखेगा, आपकी एक सुंदर कॉपी आ रही है और उसके अंदर ऐसा स्पाइडर वेब बनी हुई है, वो क्या हो जाएगा, एक पैच दिखेगा, राइट। तो वो चीज भी अवॉइड करें। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर्स में आप लोगों से पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन में जब भी डिफरेंसेस पूछे हैं, डिस्टिंग्विश पूछे हैं, तो उसको आप हमेशा टू कॉलम फॉर्मेट में ही एग्जीक्यूट करें। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि उसको आपने सेंटेंसेस में फ्रेम कर दिया। डिफरेंस हमेशा टू कॉलम फॉर्मेट में होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और फिर आपके पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। हमेशा ऐसे ही आपको लिखना है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंशिएट। और जितने भी क्वेश्चन के कमांड वर्ड्स होते हैं, कमांड वर्ड्स मतलब जो पहला वर्ड होता है क्वेश्चन का, उसी में आपको समझ में आता है क्या पूछा गया है, वो जरूर अच्छे से पढ़ें। एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट और इस तरह का जो भी होते हैं, फाइंड, व्हाट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपसे पूछा जाता है क्या करना है, हाउ, व्हाट, कैन, तो ये सारे वर्ड्स पर ध्यान दें और उसी के अकॉर्डिंग आंसरिंग। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ कीवर्ड्स पढ़ लिए, कमांड वर्ड्स आपने पढ़े ही ना, कमांड वर्ड्स को भी पढ़े क्वेश्चन से, कम से कम दो बार एक क्वेश्चन को पढ़े। होता क्या है, दो चीजें होती है, एक होती है एंजाइटी। एंजाइटी मींस कई बार डर लगने लगता है कि अरे पेपर है पेपर है, उस एंजाइटी में हम क्वेश्चन को अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं, पूछा कुछ और जाता है, हम कुछ और लिख देते हैं। या दूसरा होता है एक्साइटमेंट, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा उसमें आपको आपका कीवर्ड मिल गया जो बहुत अच्छे से आता है आपको, तो आप पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे कि क्या करना है, और उस एक्साइटमेंट में आप बस लिख दोगे अपने हिसाब से उसको, बाद में आपको घर जाके पता चलेगा तो कुछ ही नहीं है जो मैं लिख के आऊंगा, समझ में आ रही बात। तो ये दोनों चीजों को कंट्रोल करना, ना आपके ऊपर एंजाइटी आनी चाहिए ना ही एक्साइटमेंट आना चाहिए, दोनों को हमें कंट्रोल करना है, दोनों फीलिंग्स को। दो बार एटलीस्ट आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, ठीक है। अब कई बार बहुत सारी जगह ऐसा बताया जाता है कि आंसर सीक्वेंस में लिखो, सीक्वेंस में लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बोर्ड कभी भी ऐसा कोई रूल नहीं बताता है। आप आंसर उसी सीक्वेंस में लिखें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको अच्छे से आता है सबसे पहले आपको वही करना है, समझ में आ रही है बात। आप कभी भी ऐसा ना करें कि मुझे सीक्वेंस फॉलो करनी है इसीलिए मैं ऐसे करता जाऊं, जो नहीं आता वो भी पहले लिख दिया, जो अच्छे से आता है वही करें, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पेज में जो भी आपने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, वो जो इंप्रेशन कॉपी चेकिंग करने वाले के माइंड पे क्रिएट करेगा वो टिल लास्ट पेज रहेगा, इसीलिए पहले हमेशा अच्छे आंसर से शुरू करें, राइट। और जो नहीं आता है उसको एक बार पढ़ लें। होता क्या है, देखो ये अपने आप हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो अपने आप चलती रहती है। आपने वो क्वेश्चन एक आपको नहीं आता है, आपने सपोज उस क्वेश्चन के दोनों पार्ट पढ़ लिए नहीं आना है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एंजाइटी नहीं आनी चाहिए, टेंशन बिल्कुल मत लो, वो पढ़ लो, उसको एंड के लिए छोड़ दो। अब क्या होगा, आपने एक बार पढ़ लिया ना तो आप अपना आंसर करते जा रहे हो, लेकिन आपके माइंड में प्रोसेस चलती जाएगी जो उस आंसर के बारे में भी सोचेगी जो आपको नहीं आता है। और 100% जब आप अपना पूरा पेपर प्रॉपरली सॉल्व कर लोगे ना, वो जो क्वेश्चन नहीं आना था वो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे, तब तक आपका माइंड अपने आप प्रिपेयर हो जाता है उस क्वेश्चन के लिए कि अब मुझे इसमें क्या लिखना है। तो उसको टाइम दो, आप उसको बिल्कुल जल्दी नहीं है उस क्वेश्चन को करने के लिए, उसको एंड में अटेम्प्ट करो, राइट। देन कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोग ध्यान रखें, जनरली आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ जितनी भी चैटिंग करते हो उसमें आप व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हो, एसएमएस लैंग्वेज यूज करते हो, और कई बार ये देखा है इनफैक्ट यहाँ भी जो लोकल एग्जाम्स होती है टीचर्स भी हमें बताते हैं, फीडबैक होता ही है, बच्चे उसी लैंग्वेज में आंसर लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपकी आदत हो गई, अपने आप हाथ चलने लगता है। इस चीज को जरूर अवॉइड करें, आपको आंसर्स हमेशा फॉर्मल वोकैबुलरी में ही लिखने हैं या टेक्निकल लैंग्वेज में लिखने हैं। डोंट यूज एनी टाइप ऑफ व्हाट्सएप लैंग्वेज इन योर कॉपी, कुछ भी नहीं यूज करना है, कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करना है। ऑब्वियसली कोई टेक्निकल शॉर्ट फॉर्म्स हैं अगर आपके सब्जेक्ट में, then you can use those short forms, but इस तरह के कोई भी day to day life के short forms मत use करना, पूरा लिखना है आपको, जो होता है word वही लिखना है आपको, उसको कहीं भी आपको उसका short form नहीं use। Second thing, जब आप अपने center पर जाएंगे exam के लिए, admit card जरूर रखें, ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप admit card भूल जाएं, otherwise क्या होगा कि वहाँ पर जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा एकदम tension create हो जाएगा,
एग्जाम सेंटर में आपको एंट्री नहीं मिलेगी विदाउट एडमिट कार्ड, बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर के अंदर अगर एग्जाम में जाओगे एग्जामिनेशन रूम में तो डेफिनेटली जो चीजें आती है वो भी सब भूल जाते हैं। तो वो प्रेशर बिल्कुल माइंड पे नहीं आना चाहिए, एक रात पहले ही अपनी सारी प्रिपरेशन कर लें, अपना कंपॉक्स बॉक्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें। कंपॉक्स बॉक्स भी हमेशा ट्रांसपेरेंट पाउच होना चाहिए, ऐसा ना हो प्लास्टिक के वो अलग अलग मोटे मोटे बॉक्सेस ले जा रहे हैं जिसके ऊपर कहीं टेबल लिखी हुई है, कहीं कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। इस तरह के बॉक्सेस एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा अवॉइड करना है। सबसे बेस्ट है वो ट्रांसपेरेंट पाउच जो आता है ना वो ले जाइए, वो कोई भी नहीं रोकेगा आपके, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंट पाउच ले जाए, उसके अंदर दो तीन पेन रखें प्रॉपरली चलने वाले, बॉल पॉइंट पेन या जो भी पेन आप यूज करते हैं, ब्लैक पेन रखें, पेंसिल्स रखें, शॉर्पनर, इरेजर, जो भी वहां आपके लिए रिक्वायर्ड है, स्केल, सब कुछ रखें, किसी से कुछ भी मांगना ना पड़े, ठीक है। सेकंड, अपना एडमिट कार्ड रख लें, एडमिट कार्ड के ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जरूर से, ठीक है। और एक वाटर बॉटल ले जाइए, पानी की बॉटल ले जाइए अपने खुद की। ये सारी चीजें आप लोग अपना एग्जाम सेंटर पर ले जाएं तो आप लोग बहुत रिलैक्स फील करेंगे, आपको कहीं भी पानी पीने के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने साथ अपनी खुद की बॉटल ले जाइए, ठीक है। बहुत रिलैक्स माइंड से आप एग्जाम दीजिए, डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन योर एग्जाम, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन एंड यू विल डू। 90% से अबव सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आएगा, यहां इस हॉल में जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं और जितने ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स एटलीस्ट 90% इस बोर्ड एग्जाम में क्रैक करेंगे और आप लोग कर लेंगे, डेफिनेटली यू विल डू, बस अपने आप से प्रॉमिस करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखें, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें अभी इन दिनों में, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई जंक फूड, बाहर का खाना अवॉइड करें, बहुत अच्छा खाना खाएं घर में एकदम सात्विक भोजन, और वही लें लाइट फूड लेंगे तो माइंड भी ज्यादा तेज चलेगा, अभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब ज्यादा, ठीक है, बहुत प्रॉपरली, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ का ध्यान रखना। देन कोई भी डाउट है तो अपने टीचर्स पर जरूर फेथ रखें, टीचर से बात करें, कोई भी बहुत माइन्यूट सा डाउट होता है तो भी स्कूल आके पूछें, या जो भी टीचर्स में आपका फेथ है उनसे आप जरूर बात करें, पेरेंट्स की बात जरूर माने, पेरेंट्स पर ट्रस्ट करें, ठीक है। ये सारी चीजें आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी, और जब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे। सो बी सुपर पॉजिटिव, ठीक है, बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने ऊपर मत आने देना, आप लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड टू एक्सेल इन योर एग्जाम्स। Thank you. Thank you, sir. Thank you to all online students. Thank you.